example, solve 1 plus x whole square d2y by dx square plus 1 plus x dy by dx plus y. This is equal to 2 sine log 1 plus x. मान लीजिए सवाल है, यह देखने में लगता है कि लीजेंडर इक्वेशन है या ax plus b के फॉर्म का है, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल है और ax plus b के फॉर्म का है, ax plus b, ax plus b. तो यह लीजेंडर इक्वेशन है, इसमें क्या तरीका है, कैसे पुट करते हैं इसमें हम लोग, इसमें बताए थे अभी, पुट 1 plus x is equal to e to the power t, so that log 1 plus x is equal to t, and this implies 1 by 1 plus x is equal to dt by dx. Now, dy by dx can be written as dy by dt into dt by dx. This is equal to dy by dt into 1 by 1 plus x. It further implies 1 plus x into dy by dx is equal to dy by dt. And this implies, and this can be written as dy. Here, the value of a is 1, ax plus b. 1 plus x है और फॉर्म है ए एक्स प्लस बी का, तो ए के जगह पर है यहाँ 1, इसीलिए यहाँ पर ए डी वाई होता था फॉर्मूला में, ए डी वाई तो यह 1 इंटू डी वाई होगी डी वाई. सिमिलरली 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू डी वाई, इसका होगा 1 स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 वाई. दिस इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1 वाई एंड सो ऑन. ये 1 स्क्वायर लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसमें जाने के लिए था, ये भी लिखना कोई जरूरी नहीं है. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन वाई प्लस वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू साइन लॉग लॉग वन प्लस एक्स टी टू साइन टी लॉग वन प्लस एक्स इक्वल टू टी क्या था 1 प्लस एक्स इज बी का पावर टी. ये आसान हो गया, इट इज नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो गया, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू साइन टी. ये डी और डी कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर प्लस 1 वाई is equal to 2 sin t. Now very easy to solve it. D square plus 1 y is equal to 2 sin t. It is linear differential equation with variable coefficient, with constant coefficient. D square plus 1 y is equal to 2 sin t. Here D square plus 1 y is equal to 2 sin t. क्या लिखेंगे? As भाई पढ़ चुके हैं. Now here the equation is d square plus 1 is equal to 0, this implies d square is equal to minus 1, this is equal to I square, this further implies d is equal to plus minus I, 0 plus minus I into 1. And so CF is equal to, क्या formula है, e to the power alpha x, c1 cos beta x, plus c2 sin beta x. यहाँ मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज इक्वल टू वन. दिस इज इक्वल टू
e to the power 0x 1 c1 cos beta x मतलब x plus c2 sin beta x का मतलब x. So cf is equal to c1 cos x plus c2 sin x. अब चाहिए pi लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए cf चाहिए और pi चाहिए. cf निकल गया pi. pi is equal to 1 by b square plus 1 2 sin t. ये किस फॉर्म का है? बहुत सारा फॉर्म पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, जिसमें फर्स्ट फॉर्म होता है x is equal to e का पावर ax, दूसरा फॉर्म है x is equal to sin at और cos at. इस टाइप में क्या करते हैं हम लोग, b स्क्वायर की जगह पर पुट करते हैं, पुट b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर. यहां a की जगह पर कितना है 1, तो b स्क्वायर पुट करेंगे माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, मतलब कि नीचे 0 हो जाएगा. तो केस ऑफ फेलियर हो गया, जिसमें मल्टीप्लाइंग बाय पता है मल्टीप्लाइंग बाय x एंड डिफरेंशिएटिंग द डिनोमिनेटर रिस्पेक्ट टू d. यहां मल्टीप्लाइंग बाई टी एंड डिफरेंशिएटिंग द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू डी, टू डी साइन टी. क्या नियम है इसमें कि मल्टीप्लाइंग बाई एक्स एंड डिफरेंशिएटिंग द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू डी. केस ऑफ फेलियर में यहां तो एक्स के पास है क्या टी, यहां डी स्टैंड फॉर डी मतलब d by dt. This is equal to 2t. टू से टू कैंसिल हो गया. This is equal to t and capital D का मतलब differentiation, 1 by d का मतलब integration. तो sin t का integral minus cos t, minus cos t. This is equal to minus t cos t. ये हुआ pi. लेकिन सवाल तो था x के फॉर्म में, x y के फॉर्म में, आंसर आ गया t के फॉर्म में. यहाँ मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर cf cf जो निकाला है ना, दिस इज नॉट e टू द पावर अल्फा t c1 cos बीटा t plus c2 sin बीटा t. c1 cos t plus c2 sin t. And therefore the solution is, अब इस टी को चेंज कर सकते हैं, टी कहां से टी का वैल्यू पुट करेंगे, हम पुट किया था 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, टी इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स. इसको हम लिख सकते हैं सी वन कॉस लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी टू साइन log 1 plus x. ये हो गया आपका एक्चुअल में cf. वैसे ही pi है माइनस t cos t, तो कितना का बराबर हो जाएगा, माइनस t cos t, तो माइनस इज इक्वल टू माइनस log 1 plus x cos log 1 plus x माइनस लॉग वन प्लस एक्स कॉस लॉग वन प्लस एक्स. एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, एंड देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एफ? सी एफ इज सी वन कॉस लॉग 1 plus x plus c2 sin log 1 plus x. cf हो गया and plus pi minus log 1 plus x into cos log 1 plus x. That's all.